दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। मोहन अंजना भीनमाल है, इन्होंने पूछा है क्या कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, हम कैसे आश्वस्त रहें और आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग और विजन बताना चाहेंगे। देखिए कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, ये आप ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप चलाते रहोगे, आप लोग चलाते रहोगे तो चलती रहेगी। भाई कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती। दो तीन कारण है मेरे पास सर। नंबर एक कारण जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकना बंद हो सकता है? इसकी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्लियर है? लॉकडाउन में टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो आगे तो बढ़ना ही क्लियर है। टॉप के प्रोडक्ट है, आज लॉकडाउन में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस खाएंगे, गवर्नमेंट बैन करेगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस एसलीपीएस के जिसका दिल करे, अगर कोई हमारी कंपनी में सीईओ सीएसओ जाइए भैया, ऑनलाइन देखिए हम टीडीएस टाइम से देते हैं नहीं देते, जीएसटी देते हैं नहीं देते, क्या गवर्नमेंट के 5 पैसा हमने रखा है, बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग हमारी कंपनी में ज्वाइन है, खुद जाके चेक कीजिए। अगर गलत मिलते हैं सर आप फोन करके बताइए, संजीव कुमार सर आप झूठ बोलते हो कैमरे के सामने बैठ के। एक भी रुपया गवर्नमेंट का आज तक मैंने नहीं रखा, पहले देता हूं 2 दिन पहले, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं रखूंगा तो गवर्नमेंट मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो सारे हमारी कंपनी में फॉलो होते हैं, इसलिए हमारी कंपनी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा केवाईसी प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस, सब स्ट्रिक्ट है। क्यों? पूरे 100% रूल फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट का, कंज्यूमर अफेयर्स का, अपग्रेडेशन कंपनी का टाइम टू टाइम करते हैं। और भैया अगर कंपनी को जाना ही होता तो कंपनी इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगाती है? मैंने पहली जो यूनिट बनाई थी उसमें लगाए थे मेरे ख्याल 12 करोड़, फिर अभी जो यूनिट बनाई है उसमें लगाए 7-8 करोड़, और अब एक यूनिट आपकी और बन रही है जो 50 करोड़ की बन रही है, जो इस साल बन के तैयार होगी 50 करोड़। महिपाल जी जयपुर में बन रही है, मतलब आप ये देखिए 2209 x 18000 1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बन रही है बड़ी। इस फैक्ट्री को हम बना रहे बाहर की कंट्रीज के लिए, बाहर की कंट्रीज में जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि वहां पैकेजिंग वैकेजिंग के कई लफड़े हैं तो पैकेजिंग अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम विदेशों में भी काम करेंगे। तो मैं 50 करोड़ की फैक्ट्री क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ, आगे कोई भी आओ जयपुर में देखो, पहली पहली छत डल चुकी है, दूसरी डलने वाली है अभी, कितनी बड़ी फैक्ट्री बना रहा हूँ। तो अगर मैं 3-3 फैक्ट्री बना रहा हूँ, अच्छा ये बताओ ये 10-12 करोड़, ये 6 करोड़, ये 50 करोड़, ये 60-70 करोड़ रुपए थे तो मैं प्लॉट खरीद लेता, फ्लैट बना लेता, गाड़ियां खरीद लेता, विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता। अगर मेरा विजन ही ना होता, मैं फ्यूचर ही ना देखता, मैं और कंपनियों की तरह, अब वो और कंपनियां बोलती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का क्या मतलब है, अबे मतलब है ना, खर्चा करना पड़ता है साला, लगा के दिखाओ, इधर उधर से माल ले रहे हो, अपना कुछ है क्या? अपना कुछ ला के दिखाओ, अपना माल बना के दिखाओ, पैसा लगेगा। 70 करोड़ लगाया इधर, 70 करोड़ विदेशों में इन्वेस्ट कर देता संजीव कुमार, लेकिन नहीं, ये जनता की कंपनी है, मैंने जनता के लिए बनाई है, पब्लिक के लिए बनाई है, और हमेशा पब्लिक के लिए ये कंपनी जिंदाबाद रहेगी और मैं ऐसे ही पैसे खर्चा करता रहूंगा। तो अब 3 यूनिट बनाई है, 70 करोड़ लगाए हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर है, विजन है, चलना है, लोगों को कैरियर देना, भविष्य देना, इसलिए तो लगाए। कंपनी का ये मैनेजमेंट देखा आपने, और एक कंपनी बंद होने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है महिपाल जी, राज की बात है, अगर इधर उधर इल्लर पिल्लर कंपनी में काम करो तो उन डायरेक्टरों से जाके पूछ भी लेना कभी। एक आईडी आती है एक कंपनी में, मान लो 14,000-15,000 की, तो आईडी ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टैक्स का पैसा टैक्स में, प्रोडक्ट का पैसा प्रोडक्ट में, कंपनी का पैसा कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के प्रॉफिट में, लीडर का पैसा लीडर को, टूर का पैसा टूर को। जो कंपनी पब्लिक का पैसा खाने लग जाती है उसका बंद होना निश्चित है, और 99% ये झोलर कंपनी जितनी है 99% खाती हैं, जो आजकल के बच्चे खोल के बैठ रहे हैं ना, इनका यही काम है, क्योंकि पैसा आता बहुत है, बैंकों में बड़ा पैसा दिखता है, और ये कहते हैं तो हमारा ही है, देना तो है ही नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही ये कंपनियां चल नहीं पाती। अब जैसे मैं अपने बताता हूं, एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट नंबर में अगर कोई चेक कर सके तो चेक कर लेना, कंपनी के टूर के पैसे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में सेल्स इंसेंटिव सेल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के टीडीएस के पैसे हैं। एक्सिस बैंक में मेरा पूरा जीएसटी का पैसा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझे? एचडीएफसी में मेरा प्रोडक्ट के वाले को पैसा जाता है, और कोटेक का जो अकाउंट है वो मेरा है, मेरा प्रॉफिट आता है। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपके 100 SP आते ही ऐसे बांट देते हैं, हमारे पैसे पे हमारा हक होता है, उससे हम डेवलपमेंट करें, उससे हम फैक्ट्रियां बनाएं, लेकिन आपके पैसे को हम टच नहीं करते, जिसका दिल हो जब आके अकाउंट देख लेना, इतना ओपनली कोई बात नहीं करेगा।